आपकी खिदमत में पेश है क्राइम टुडे न्यूज़। माशरे के खामियों को सरकारी महकमों की लापरवाही को उजागर किया जा रहा है। मैं मोहम्मद इब्राहिम, क्राइम टुडे न्यूज़। अत्तापुर पिलर नंबर 127 के पास रहने वाली मनीषा नामी खातून, जिसकी उम्र 25 साल है, जो दिमागी और जिस्मानी तौर पर माजूर है। मनीषा के वालदेन हार्ट पेशेंट है और इस खातून की वालदा का नाम साधना है, जो बाहर काम कर अपना घर चलाती है। मनीषा जब अपना अकाउंट खुलाने के लिए बैंक पहुंची, तो बैंक वालों ने उसका अकाउंट खोलने से इनकार कर दिया, क्योंकि अपाहिज होने की वजह से उसके हाथ सही नहीं है और इन लोगों को हुकूमत तेलंगाना की जानिब से कोई भी सहूलतें मौजूद नहीं है। इन लोगों ने तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और केटीआर से मदद की गुजारिश की। नाजरीन, आए दिन हुकूमत की जानिब से इस तरह के लोगों के लिए कई सारे स्कीमात निकाले जाते हैं, फिर भी कई ऐसे लोग हैं जो इन तकलीफों में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे माजूर लोगों पर खास तवज्जो दे, और आप में से अगर कोई इनकी मदद करना चाहता है तो इस नंबर पर कॉल करें 9989207372। यह इस लड़की के मामा का नंबर है। आप इस नंबर पे कॉल करके तफसीलात हासिल कर सकते हैं। क्राइम टुडे न्यूज आवाम से ये अपील करता है कि ऐसे लोगों की मदद के लिए आगे आए। शेख रहमत अली के साथ मैं मोहम्मद इब्राहिम, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। मेरा नाम साधना है। हम अत्तापुर पिलर नंबर 137 के पास रहते हैं। मनीषा मेरी लड़की है, 25 साल की उम्र है उसकी। उसको बिल्कुल भी हलचल नहीं है। पैदाशी ऐसी है, हाथ भी खुलते नहीं, अकाउंट नहीं खुल सक रहा उसका, पिंचिन भी नहीं आ रही उसकी। और मेरे को भी हार्ट है, मेरे हस्बैंड को भी हार्ट है। कुछ कर सक रहे नहीं, हम सीखे हम जीले रहे। और बच्चे को भी जॉब नहीं है बच्चे की तरफ से। और तेलंगाना हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे को कुछ हेल्प कर। हमारे को कुछ भी नहीं आ रहा अभी, ना अकाउंट खुल सक रहे हम, उसके फिंगरप्रिंट सही नहीं है। फिर हमारे को केटीआर साहब से, केसीआर साहब से, जो भी गवर्नमेंट के है वो आप स्कीम दिलाए तो ठीक रहेगा। आपको मेरी विनती है कि मैं ये बोलना चाहिए। सच की तलाश का नाम आपका अपना क्राइम टुडे न्यूज़।